खबर छतरपुर से है, जहां घुवारा में समाज सेवियों ने ठंड को देखते हुए छतरपुर जिले की तहसील घुवारा नगर में गरीब परिवारों के बीच गर्म कपड़े बांटे। समाज सेवियों ने कहा कि असहाय लोगों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है, जनसेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि आगे भी जितना हो सकेगा लोगों की सेवा में योगदान देते रहेंगे। लोगों की सेवा करना जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस बार की सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों के छात्र छात्राओं की हालत खराब है, तो ऐसे में सड़कों पर और झुंगी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होगी। इसी दर्द को समझते हुए समाज सेवियों ने नगर पालिका घुवारा तहसील थाना घुवारा थाना चौकी में रखी, जिससे सभी इस बात पर सभी सहमत हुए और समाज सेवियों को दिए सभी के पैसे को लेकर गर्म कपड़ों की खरीदारी करके गरीबों के बीच वितरण किए। यह कार्यक्रम घुवारा की हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई करने में कोई समस्याएं या कोई बाधा आती है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं, चाहे वो किताबों की हो या कपड़ों की या कोई फीस की समस्या हो। सभी पढ़ाई से संबंधित हर सामग्री जरूरतों को हम सभी मिलकर आपकी पूरी करेंगे। आप सभी बच्चे आपकी पढ़ाई को बिना किसी डर से करें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस उद्बोधन में तहसीलदार घुवारा सुनील कुमार बाल्मीक ने कहा है, एक दिन में संस्था के शिक्षक ने बताया कि कुछ छात्र छात्राएं बगैर गर्म कपड़े पहनकर आते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या होने के कारण वह बच्चे गर्म कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। उसी समय अधिकारियों ने कहा दूसरे के सहयोग राशि जुटाने की बात कही और करीब 40,000 एवं 50,000 के कपड़े छात्र छात्राओं को वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को देखकर वास्तव में मन को शांति सुखद अनुभव हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बड़ा मलहरा क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नगर परिषद अध्यक्ष गुड्डी जाहर सिंह, घुवारा तहसीलदार सुनील कुमार बाल्मीकि, मुख्य नगर परिषद अधिकारी रूप सिंह लोधी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जो हमारे ऐसे बच्चे जो बाहर से आते हैं के समय में लगातार हमारे पत्रकार साथी आदरणीय तहसीलदार साहब और सभी लोग ये कह रहे थे कि बच्चों को गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो हमने सब ये संकल्प लिया और साकार हुआ। आज बिल्कुल सामान्य कार्यक्रम था, पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। यहाँ के जागरूक लोगों के द्वारा अभी जो बहुत तेज ठंड अभी बीच में हुई है, तो ऐसे बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको गर्म कपड़ों का वितरण किया गया है। मैं जानता हूं घुवारा के जो भी हमारे संभ्रांत जन हैं और सहयोगी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार के सामाजिक सद्भाव और समाज सेवा के इस प्रकार के काम यदि होते रहें तो निश्चित रूप से समाज को सीखने का मौका भी मिलता है और आगे बच्चों को काम करने का मौका भी मिलता है। आज के अवसर पर यहाँ पर जो गर्म कपड़े वितरण किए गए हैं, मैं पूरे समाज सेवियों को, यहाँ प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को और स्कूल के सभी स्टाफ को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे समय में आप लोगों ने ये गर्म कपड़े वितरण का काम किया।